मैं आज यहां आया हूं तब आपको एक बात बताने आया हूं। मैंने राजनीति में बड़ी कम उम्र से काम चालू किया था, 12 साल का था तब से चुनावों में हिस्सा लेता हूं। मैंने राजनीति में ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया, एक ही प्लेन 20-20 बार लैंडिंग कराने का प्रयास होता है। ये राहुल बाबा नाम का प्लेन सोनिया जी ने 20 बार लैंड कराने का ट्राई किया, 20 बार क्रैश हो गया। अब फिर से मुंबई में, महाराष्ट्र में अघाड़ी के बूते पर ये लैंडिंग का ट्राई करे हैं सोनिया जी, 21वां क्रैश तय है, आप मेरी बात मानकर चलो। 23 तारीख को यहां महायुति की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है, प्रचंड बहुमत। भाइयों बहनों, हम लाडली बहना योजना लाते हैं तो वो विरोध करते हैं कि ये तो गलत योजना है, और अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो वो लाडली बहन योजना का नाम बदलकर अपने घोषणा पत्र में रखते हैं। इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, डबल स्टैंडर्ड्स। मैं आज आपको बताने आया हूं, मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। ये मनमोहन सिंह जी 11वें नंबर पर देश के अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे, जहां अटल जी छोड़कर गए थे वहीं पर मनमोहन सिंह ने मोदी जी को सौंपा 11वें नंबर पर। पांच ही साल में मोदी जी ने 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया। अरे बोरीवली वालों, 5वें नंबर से क्या खुश हो जाते हो, धैर्य धरो, 2027 में हम दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, जी ट्वेंटी हुआ वो मैं दृश्य भूल नहीं सकता। G20 के दूसरे दिन दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर नतमस्तक होकर खड़े थे और सभी लोग बापू का सम्मान करते थे, और मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम किया है। आप में से जो लोग बाहर जाते होंगे उनको मालूम होगा कि भारत के पासपोर्ट का सम्मान कितना बड़ा है। भाइयों बहनों, ये विकास 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 की बात करते हैं, ये झूठ के सरदार है, गुमराह करते हैं देश को। मैं आज राहुल गांधी और शरद पवार जी को पूछने आया हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, यूपीए की सरकार चली, 10 साल में आपने महाराष्ट्र को कितना रुपया दिया, जरा हिसाब किताब दीजिए। नहीं देते हैं, मगर भाई मैं तो बनिए का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं। सुनना है बोरीवली वालों, सुनना है, इन्होंने 10 साल में महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,000 करोड़ दिया। कितना दिया,